शरीर में कोई कपड़ा नहीं था पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया एक पाँव बेड के इस तरफ एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक करता होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता आखिर ये रेप नाम का शब्द हमारी जिंदगियों में कब आ गया रेप पे स्ट्रेप क्यों करते हैं ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है जो वो इतना घिनौना क्राइम कमिट करते हैं अभी कोलकाता के केस ने हम सबको शॉक में डाल दिया है लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कोलकाता के केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेप तो रोज़ हो रहा है रेप तो होते ही रहते हैं तो हम इन जनरल जानेंगे कि रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं कितने टाइप के रेपिस्ट होते हैं इस रेप से हम कैसे बच सकते हैं ये रेप हमारे देश में कहाँ से आ गया और इस रेप को अब हम कैसे अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्या आपने शब्द सुना है रेप कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जहां पर रेप को नॉर्मलाइज किया जाता हो रेप जैसे हीनियस क्राइम की गंभीरता को कम किया जाता हो रेप कल्चर के एग्जांपल्स दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं और हमारे देश में भी पर आज रेप की बात क्यों क्या कोई नया रेप हुआ है वेल well, रेप तो रोज ही होता है बट कोलकाता वाले इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है ऑगस्ट ट्वेंटी की ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया है की ट्वेंटी में रेप के थर्टी

की इज्जत पर हमला हुआ मगर अब चलते हैं एक और खतरनाक दृश्य को देखने सरकार का एक और डिपार्टमेंट एनएचएफएस नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे दिखाता है कि कितनी ज्यादा मैसिव अंडर रिपोर्टिंग हुई है रेप केसेस की 2015-16 में 80,000 औरतों का एक सर्वे हुआ फिर लाइव मिंट ने इस रिपोर्ट को एनसीआरबी बी की रिपोर्ट से कंपेयर करा और पाया गया कि 99% रेप केसेस कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होते जिसमें इंक्लूडेड है मेरिटल सेक्शुअल वायलेंस जो एक्चुअली हमारे देश में क्राइम कंसिडर ही नहीं करा जाता पर चलो अगर हम हस्बैंड से किए गए क्राइम्स को साइड रख भी दे तो भी एट्टी केसेस अब भी रिपोर्ट नहीं te... दिस इज सच अ मैसिव अंडर रिपोर्टिंग इस मैसिव अंडर रिपोर्टिंग का एक रीजन एन सी आर बी के दूसरे कुछ आंकड़ों से देखने को मिलता है जिसमें नाइन्टी परसेंट केसेस में, केसे में अक्यूज जो होता है वो विक्टिम के जान पहचान का ही होता है और करीबन दस परसेंट केसेज में तो अक्यूज एकदम ही इमीडिएट फैमिली से थे नवम्बर दो हजार बीस में दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें भी कुछ आंकड़े सेम ही देखने को मिले दिल्ली में हुई केसेज में नाइन्टी एट परसेंट केस ऐसे थे जहाँ अक्यूज जान पहचान का

जाए। मतलब कि दिल दहला देने वाला रेप या तो गैंग रेप हुआ हो या फिर रेप के साथ मर्डर हुआ हो या फिर कोई बहुत सीरियस इंजरीज हुई हो या फिर कोई बहुत ही छोटी बच्ची या बूढ़ी औरत का रेप हुआ तो ही मीडिया प्रेफर करती है उसको दिखाना ये पैरामीटर्स हैं मीडिया के रेप को रिपोर्ट करने के जैसे कि 1992 का अजमेर केस दिल्ली का निर्भया केस मुंबई का शक्ति मिल्स केस उन्नाव का केस कटुआ का केस हैदराबाद केस हाथरस केस और 2024 का कोलकाता का मेडिकल कॉलेज केस जैसे हर फेमस रेप केस की तरह इस केस में भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों तक मीडिया पे खबर चलेगी नेता विक्टिम की फैमिली से मिलने जाएंगे उनको कंसोल करेंगे आम जनता प्रोटेस्ट करेगी सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करेगी रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए इसकी डिमांड करेगी कुछ दिनों तक सब लोग एक्टिव रहेंगे देन विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन

इंसोमेनिया, ट्रस्ट आस आसपास में लोगों से रिलेशनशिप इशूज बाईस स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस हुआ जिसमें इक्कीसो रेप सर्वाइवर्स से बात की गई उनसे बात करने के बाद पता लगा कि 81 परसेंट रेप सर्वाइवर्स में रेप के एक हफ्ते बाद पीटी एस डायग्नोज हुआ मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो सवाल ये है कि एक भी लड़की को ऐसे दर्दनाक हादसे से क्यों गुजरना पड़ा जब तक हमारे देश में एक भी केस है तब तक हमें इस रेप नाम के शब्द के अगेंस्ट बहुत कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मगर आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रेप को लेकर एक कैजुअल स्टैंड देखने को मिला रेप कल्चर डेवलप कर दिया जहाँ पर रेप को नॉर्मलाइज किया गया रेप के अराउंड अक्सर हम जोक्स भी सुनते हैं जो बहुत ही ज्यादा कैजुअल होते हैं you <laughs> इसलिए आज हम इस रेप कल्चर की जड़ तक जाएंगे कि इसकी असली वजह क्या है लुइस सी के दुनिया के टॉप स्टैंड अप कॉमेडियंस में से आते हैं और उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अगर वो टाइम मशीन में पहले जा पाते तो वो हिटलर का रेप करते फिर वो वो कुछ गलत नहीं कर पाता क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहा होता इसी जोक को कंटिन्यू करते हुए वो कहते है की रेप नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास रेप करने का कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो मतलब आप किसी को फक करना चाह रहे हो और वो आपको ना करने दे रहा हो तभी आपको रेप करना चाहिए और ये सुन

ये तो बात हुई रेप से रिलेटेड जोक्स की बट रेप में कुछ लोग एक ढूंढते हैं देखते हैं यूट्यूब के कुछ वीडियोज रेप को एकदम नॉर्मलाइज कर देती है यूट्यूब पर लिखिए रेप सीन्स और आप देखेंगे कि बहुत सी फिल्मों के रेप सीन्स अलग से निकाल कर पोस्ट किए गए हैं थमनिल में भी यही है टाइटल में रेप सीन के साथ लिखा है हॉट सीन सेक्सी सीन इनके मिलियन व्यूज हैं बी यू मिनी थिएटर वालों ने डाला है यामी गौतम रेप सीन फ्रॉम मूवी काबिल डी आर जी ने वीडियो डाला है शक्ति कपूर ने लड़की के साथ जंगल में कर डाला मंगल रेड वाइन मूवी के चैनल ने वीडियो डाला है जब गुंडे ने लूटी माधुरी दीक्षित की इज्जत माधुरी दीक्षित बेस्ट रोमांटिक सीन इस वीडियो में 68 लाख व्यूज हैं किसी के लिए रेप मजाक का विषय है तो किसी के लिए रेप एक रोमांटिक सीन है ये तो बात हुई फिल्मों की लेकिन लोग एक्चुअल रेप वीडियो देखना चाहते हैं इसलिए पॉन साइट्स पर ऐसी कैटेगरी अवेलेबल है रेप पॉन चाइल्ड पॉन और आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे इंडियन पॉन हमें किल कर देगी बिकॉज जितने भी लोग रेप करते हैं उनको मोटिवेशन उनको आइडियाज ये वीडियोस देख के ही आते हैं और उस वीडियो में 5.6 मिलियन व्यूज गए बट शर्म की बात ये है कि उस वीडियो का सबसे टॉप कमेंट था मोटिवेशन लेने आया था बट दीदी को देख के हिला लिया और इस कमेंट पे 14,000 लाइक्स है यही है रेप कल्चर इसी को ही कहते हैं कैसे हम इतनी ज्यादा बुरी चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं हम किसी को भी कॉमेंट करने से पहले कुछ नहीं सोचते कि वो एक एक्चुअल इंसान है उसके कोई इमोशन है उसकी कोई फीलिंग्स है और क्या हम इतना बुरा लिखते हुए अपने आसपास अपनी माँ अपनी बहन को देखते हैं कि अगर कोई इनको ऐसा बोलेगा तो उनको कैसा महसूस होगा डार्क वेब पर एक वेबसाइट थी वेलकम टू वीडियो जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आप बिलीव नहीं करोगे कितनी वीडियोस अपलोडेड थी लाख वीडियोस। अगेन आप बस इस इस नंबर को देखोगे बट लाख के पीछे ढाई लाख बच्चे है और लोग इन वीडियोज को देखते थे इन्हें इंजॉय करते थे जहाँ पर बच्चों के साथ सेक्सुअल वॉयलेंस होती थी दो में पुलिस ने इस वेबसाइट का एट टीबी डेटा सीज करा और थ्री लोगों को

अस्सी लाख लोगों ने सर्च करा था अस्सी लाख ऐसे लोग थे जो उस लड़की को चीखते चिल्लाते हुए सुनना चाहते थे और उसमें उनको एक सडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था और आजकल तो लोग ओपनली सोशल मीडिया पे भी रेप थ्रेड्स दे देते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि वो किसी औरत की बात से सहमत नहीं है मैं इतने सारे फीमेल क्रिएटर से बात करती हूँ उनको जानती हूँ और सबसे ही मुझे कॉमन फीडबैक मिलता है कि ऐसे थ्रेड्स गंदे गंदे मैसेज तो डीएम्स में आते ही रहते हैं और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते एक क्रिकेटर ने एक बात कही जो शायद किसी को सही नहीं लगी तो उनकी बच्ची को रेप थ्रेट्स आने लगे और ये घिनौना इंसान एक आईआईटी ग्रेजुएट था दो ऐप बनाए गए सुली डील्स और बुली बाई इन पर कुछ प्रोमनेंट मुस्लिम महिलाओं के नीलामी के इश्तियार लगाए गए कुछ ऐसी महिलाएं जो खुलकर पॉलिटिकल व्यूज रखती थी अग्रीमा जोशुआ एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी उन्होंने मजाक उड़ा दिया कोरा प्लेटफॉर्म का लोगों की बेवकूफी का और रूमर्स का बट कुछ बेवकूफ लोगों ने उनको अक्यूज करा की उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया है अग्रीमा ने माफी भी मांगी और वीडियो भी हटा ली लेकिन शुभम मिश्रा नाम के एक सोकॉल्ड so इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई और उसमें उनको रेप थ्रेट दी ऐसी एक सोकॉल्ड so इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर को रेप थ्रेट दी एक कबूतर का वीडियो देखा की नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके किसी टीवी सीरियल में उन्होंने आर्मी की इंसल्ट करी जरा आप मुझे बताइए कि देश धर्म संस्कृति और विचारधारा को बचाने का ये कौन सा तरीका है अगर आपको किसी की कोई बात ठीक नहीं लगती तो आप उनको काउंटर कर सकते हैं इन अ डिसेंट वे आप एविडेंसेज ला सकते हैं आप रिपोर्ट बना सकते हैं आप अपनी थ्योरीज ला सकते हैं लोग आपको सुनना चाहेंगे बट हमें बहुत ही आसान तरीका लगता है किसी को भी रेप थ्रेट दे देना इसमें कोई भी अगर मगर नहीं हो सकती रेप इज रॉन्ग किसी की बात

पावर रेपिस्ट एंगर रेपिस्ट एंड सैडिस्ट रेपिस्ट पावर रेपिस्ट वो रेपिस्ट होते हैं जो सेल्फ वर्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता सोशल स्किल्स नहीं होते लो सेल्फ एस्टीम होती है एक ऐसे एक्ट के थ्रू ये पावरफुल फील करना चाहते हैं उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना विक्टिम को ओवर पावर करने के लिए जरूरी है उसके बाद आते हैं एंगर रेपिस्ट रेपिस्ट ये वो रेपिस्ट होते हैं जिनमें गुस्सा होता है और इस एक्ट के थ्रू वो अपने गुस्से को निकालते हैं ये बहुत ही होते हैं गालियां देते हैं और विक्टिम अगर रेजिस्ट नहीं भी करे तब भी वॉयलेंस करते हैं विक्टिम को जान से भी मार सकते हैं और विक्टिम के साथ बहुत ही कम समय तक होते हैं और तीसरे टाइप के रेपिस्ट होते हैं सैडेस्ट रेपिस्ट जिनको दूसरे के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से फील होता है ये विक्टिम को किडनैप कर सकते हैं और लंबे समय तक टॉर्चर कर सकते हैं इन एटीट्यूड को समझना चाह मधुमिता पांडे ने वो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री कम्पलीट कर रही थी जब निर्भया कांड हुआ ये सुनकर उन्होंने काफी ट्रबल्ड फील करा और वो निकल पड़ी ये जानने के लिए की कैसे कोई रेप कर सकता है तिहाड़ जेल में बंद एक सौ बाईस कन्विक्टेड रेपिस्ट से उन्होंने बात की और साथ ही सिक्सटी फाइव कन्विक्टेड मर्डर से भी उन्होंने बात की और उनको एक साफ अंतर दिखाई दिया ज्यादातर मर्डरर्स को अपने किए गए कांड का बहुत

प्रोडक्ट होता है ये कहना कि कॉमेडी को बस कॉमेडी की तरह देखो फिल्मों को बस फिल्मों की तरह देखो पॉन वीडियो को सिर्फ इंजॉय करने के लिए देखो ये कहना काफी ज्यादा गलत होगा बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने बार बार ये साबित करा है कि जिस तरीके का कॉन्टेंट हम कंज्यूम करते हैं वैसे ही हमारी साइकी डेवलप हो जाती है इसलिए जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स को हम देखते हैं वो लड़कियों को गानों में ऑब्जेक्टिफाई करते हैं तो लोग इसे सुन सुन के सोचते हैं कि ये सब बहुत ही नॉर्मल है किसी को भी कुछ भी बोल देना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है इसलिए शुड स्टॉप बस आप movies को movies की तरह से देखो ये बैडीज किया जाता है ऐसा तो बताया तो उनको एक रेप विक्टिम जैसा फील होता था हम उनसे दरखास्त करेंगे कि एक बार वो जाकर किसी रेप विक्टिम से बात करे की उनको कैसा महसूस होता है आपने देखा कैसे रेप जैसे शब्द को इतना नॉर्मली बोल दिया गया इस इंटरव्यू में किसी भी रैंडम चीज को रेप से कंपेयर ना करें जैसे कि एक मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन इसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक लड़की को अपने मोलेस्टर्स को माफ करने के लिए कहता है और माफ करने के लिए भी इस बेसिस पे कहता है की तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को देख के तो मरे हुए इंसान का भी दिल धड़क जाए और फिर सोनू निगम का करेक्टर कहता है की अगर तुमने इन दोनों लड़कों को अब भी माफ नहीं करा इसका मतलब तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है ये एक दूसरा सीन देखो जहाँ पर एक पवट बुड्ढा एक औरत को अपनी गोदी में बिठाता है और उसके साथ गलत हरकतें करता है बैकग्राउंड में कॉमेडी वाला म्यूजिक चल रहा है हमारे बॉलीवुड की कुछ बहुत ही फेमस मूवीज ऐसी भी है जिनमें ये थ्योरीज है की रेपिस्ट की रेप विक्टिम से शादी करा देनी चाहिए जैसे की फिल्म राजा की आएगी बारात और ऐसी कुछ और फिल्म जैसे की अनिल कपूर की फिल्म बुलंदी और बेनाम बादशाह और गोविंदा और जूही चावला की फिल्म भाग्यवान में दिखाया गया एक बहुत ही फेमस फिल्म तीस मार्क जो आप सबने देखी होगी जिसका एक बहुत फेमस डायलॉग है तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और तीसमान खान को पकड़ना दोनों ही बेकार है बहुत सारी ऐसी फिल्म जहाँ पर रेप को एज अ शैलो प्लॉट डिवाइस दिखाया जा रहा था बहुत ज्यादा पॉपुलराइज होने लगी मिड नाइनटीन में ये इतना बढ़ गया था की गवर्नमेंट ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टिव भेजा की वायलेंस और रेप सीन्स कम कीजिए केवल शक्ति कपूर अकेले ही ऐसी अस्सी से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे गुलशन ग्रोवर ने ऐसी बीस से ज्यादा फिल्में करी डैनियन रंजीत ने सौ से ज्यादा ऐसी फिल्में करी और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग प्रेम चोपड़ा ने तो दो सौ ऐसी करने ऐसी कोशिश करता है और इस सीन में कॉमेडी ढूंढी गई चलो फिल्मों को साइड रखते हैं, गानों की बात करते हैं एक अंडरग्राउंड सॉन्ग आया था मैहू बलात्कारी और ये अब भी यूट्यूब पे अवेलेबल है ऐसा नहीं है की रेप को फिल्मों में गानों में स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं होना चाहिए बट पॉइंट

तो या तो विलन गोली मार देता था या वह सुसाइड कर लेती थी लेकिन उड़ता पंजाब में ना ही केवल रेप को निशांत दामिनी क्रांतिवीर पिंक और आर्टिकल फिफ्टीन भी काफी पावरफुल फिल्म थी तो फिल्म मेकर से दरखास्त है की अगर आप कोई मसालेदार फिल्म बनाना चाहते तो आप एक्शन फिल्म्स बनाइए बट ऐसे सीरियस टॉपिक को सीरियस फिल्म मेकर

कि हम जो गालियां देते हैं उससे भी रेप कल्चर डेवलप हो रहा है रेप नॉर्मलाइज हो रहा है जिस तरीके की हैं उससे रेप नॉर्मल हो रहा है तो आप आज एक प्लेज लीजिए कि आप आज के बाद कोई भी ऐसी गाली नहीं देंगे वो गाली पसंद दो सेकंड के लिए बोल तो देते हैं बट उससे हमारा देश एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है और इस रेप कल्चर की वजह से ऐसा होता है कि जब कोई लड़की जिसके साथ रेप हुआ हो वो आवाज उठाने लगती है तो लोग उसी पे ही उंगली उठा देते हैं और बहुत से पंचायत में तो ऐसा होता है कि किसी ने अगर रेप करा तो उसको बस चार पांच थप्पड़ मार दो और जाने दो और मान लो अगर केस कोर्ट तक पहुंच भी गया तो कोर्ट में वकील के द्वारा में बहुत ही होते है। नेता भी अक्सर रेप के बारे में बहुत ही पैथेटिक स्टेटमेंट देते हुए पाए गए जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और बहुत से लोगों का पर्दाफाश करेंगे अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंचो तो इस बार चुप मत रहना सरकार को हमारी औकात पता है कि हम दो, तीन दिन सोशल मीडिया पर बोलेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा बट इस बार तुम्हें चुप नहीं रहना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो स्टोरीज पे वीडियो का लिंक लगाओ ताकि लोगों को पता लगे की एक्जैक्टली रेप क्यों हो रहा है रेप का रियल कॉज क्या है लोग रेप क्यों करते हैं ये डिटेल्ड और रिसर्च वीडियो आपके लिए लाने का मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था हमारे देश को जागरूकता की ओर ले जाने के लिए जय हिंद